7 जून 1893 को गांधी जी के साथ में अफ्रीका में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें हिला करके रख दिया। उनके अंदर जबरदस्त परिवर्तन आया। अफ्रीका के मेरिट शिविर प्लेटफार्म पर उनका सामान रख दिया गया, तब उन्हें अनुभव हुआ रंग भेद का, और हमें मिला एक महानायक महात्मा बापू, जिसने हमारे देश के लिए आज़ादी का आंदोलन चलाया। गांधी जी को मिला सत्याग्रह का मार्ग, अवज्ञा। इसे महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में इस तरह से लिखा है, जो मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ करके सुना रहा हूँ। 10 लगभग 9 बजे नेटार की राजधानी मेरिट्सबर्ग पहुंची। यहाँ बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर कहा, आपको बिस्तर की ज़रूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया, उसने मेरी तरफ देखा, मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वह परेशान हुआ। बाहर निकला और एक दो अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझे कुछ न कहा। आखिर एक अफसर आया, उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने कहा, इसकी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बिठाया गया है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूँ। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा, और न उतरे तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद तो नहीं उतरूँगा। सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतारा, मेरा सामान उतार लिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार किया। ट्रेन चल दी, मैं वेटिंग रूम में बैठ गया, अपना हैंड बैग साथ रखा, बाकी सामान को हाथ में लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। सर्दी का मौसम था। दक्षिणी अफ्रीका की सर्दी ऊंचाई वाले प्रदेशों में बहुत ओवरकोट बहुत तेज होती है। मेरिट्सबर्ग इसी प्रदेश में था, इससे ठंड खूब लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था, पर सामान मांगने की हिम्मत न हुई। फिर अपमान हो तो ठंड से मैं कांपता रहा। कमरे में दिया न था। आधी रात के करीब एक यात्री आया, जान पड़ा कि वह कुछ बात करना चाहता है, पर मैं बात करने की मनस्थिति में न था। मैंने अपने धर्म का विचार किया, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके दिल्ली करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो ना मर्दी होगी, मुझे तो कष्ट सहना पड़ेगा। सोम तो ऊपरी कष्ट है, वह गहराई तक पेटे हुए महारोग का लक्षण है। यह महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझ में इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं को कष्ट सहने पड़े तो सब सहने चाहिए, और उसका विरोध रंग भेद को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। यह निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे जाने का फैसला किया। इसी फैसले से महात्मा गांधी के अंदर, जो उस समय मोहनदास करमचंद गांधी थे, एक बदलाव आया, संकल्प आया, दृढ़ निश्चय आया, और उन्होंने हमें एक दिशा दी, सत्याग्रह का मार्ग दिया।